हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं रियलमी 8i वर्सेस वीवो Y72 5G। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने वाले हैं, कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुंचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास Realme 8i और Vivo Y72 5G। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे Realme 8i की। तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y72 की। तो यहाँ पे आपको ड्यूअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट साइड की। तो यहाँ पे आपको Realme 8i के अंदर पंच होल डिस्प्ले के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y72 की। तो यहाँ पे आपको नॉच डिस्प्ले के साथ एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ पे लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा। तो गाइस, जैसे इस दोनों फ़ोन का आप कैमरा ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो आइए चलिए देखते हैं इसका कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी दोनों फ़ोन के फ्रंट कैमरों को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि Vivo Y72 और Realme 8i से। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से किसी एक फ़ोन से ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Realme 8i और Vivo Y72 5G से क्लिक किए हुए थे। तो फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Realme 8i का कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। और अपने वीडियोस के अंदर भी देखा होगा Vivo जो है वो कैमरे के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर पता नहीं क्यों इस तरीके के कैमराज दिया गए हुए हैं। यानी कि 20,000 की प्राइस रेंज में ये फ़ोन जो है आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए अगर आप फोटोज़ वगैरह ज़्यादा क्लिक करते हो, यानी कि कैमरा ज़्यादा यूज़ करते हो। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।